हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सोया फ्राइड राइस, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट वाली ये रेसिपी है। 30 मिनट में ये आप इसे बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। तो सबसे पहले हम सोया चंक्स को उबालेंगे, जिसके लिए मैंने पानी चढ़ाया है और इसमें उबाल आने दें। उसके बाद हाफ छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे और साथ में हम डाल लेंगे सोया चंक्स। तो यहाँ पे मैंने एक कप यानी लगभग 20 सोया चंक्स होंगे, जो हमने अभी इसे बॉईल करने के लिए डाल लिया है। और आँच को मीडियम में करके 5 मिनट के लिए इसे उबाल लें। बहुत ज़्यादा इसे नहीं उबालना है, और इसे उबालने का सही तरीका मैंने आई बटन में दिया है, या फिर लिंक देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब ये उबल जाएगी तो इसके पानी को स्क्वीज करके हम निकाल लेंगे एक्स्ट्रा वाटर, और उसके बाद इसे मैरिनेट करने के लिए हम कोई बाउल में डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम सोया चंक्स को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और हाफ छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ से हम मैरिनेट कर लेंगे। तो नमक तो मैंने पहले यूज़ कर लिया था, इसलिए मैंने अभी नमक नहीं डाला है, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता। तो इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसे मैरिनेट होने के लिए 5 मिनट के लिए रख दें इसी तरीके से। तो चलिए अब हम चावल की क्वांटिटी देख लेते हैं। तो चावल यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है 1 ग्लास, और इसे हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, यानी 2-3 बार पानी से वॉश करें, जब तक इसके पानी क्लियर ना निकलने लगे, साफ पानी निकलने लगे ना लगे तब तक इसे वॉश कर लें। उसके बाद पानी को ड्रेन कर लें, और इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि इसे थोड़े से सोक करके रख सकें। तो 10 मिनट के लिए हम इसे पानी में भिगो के रखेंगे, उसके बाद इसे कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए हमने पानी को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है। पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेंगे उबालने के लिए, और इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे, और पानी को बॉईल पहले होने दें, उसके बाद आप इसमें नमक डालें। और साथ में ही हम डाल लेंगे चावल। तो चावल आप 10 मिनट के बाद ही डालें, जब ये अच्छी तरीके से 10 मिनट तक भिगो के रहे। तो चावल हमने डाल लिया और आंच को हमने मीडियम में कर लिया है। तो मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे और कुक करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ताकि चावल अच्छी तरीके से पक जाए। फ्राइड राइस हम जब भी बनाते हैं तो हमें चावल को अच्छी तरीके से पका लेना होता है। तो बीच बीच में आप इसे चलाएं और चावल को चेक करते रहें, ओवर कुकिंग भी नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे चावल। तो इस तरीके से मीडियम आँच पर आप इसे पका लें। आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। तो चावल हमारी हो चुकी है, तो पानी को निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से ड्रेन कर लेंगे पानी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैं 2 बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ, और इसे बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। और कोई बड़े बर्तन में आप इसे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम इसमें फ्राइड राइस बनाएंगे। तो गर्म होने के बाद हम इसमें सोया चंक्स डाल लेंगे और आँच को मीडियम में करके इसे क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब तक फ्राई करें जब तक ये क्रिस्पी फ्राई ना हो जाए। फ्राई हो गए हैं हमारे 5 से 6 मिनट में, और इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसी पैन में, इसी बर्तन में हम 2 बड़ी चम्मच तेल फिर से डाल लेंगे, और इसे गर्म होने के बाद हाफ छोटी चम्मच जीरा से छौंक लगा लें, और आँच को थोड़ा कम करके रखना है आपको। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 6 से 7 लहसुन की चॉप्ड किया हुआ, लहसुन की कलियाँ को मैंने चॉप्ड कर लिया है, बहुत नन्हे नहीं किया है। 1 इंच अदरक घिसा हुआ भी साथ में डाल लेंगे, और हरी मिर्च भी हम साथ में ही डाल लेंगे। तो 2 हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है, और इसे जस्ट 1/2 मिनट के लिए सॉटे करना है, यानी इसे पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं किया है। और 1 बड़े साइज़ का प्याज भी मैंने चॉप करके ले लिया है, और इसे हम फ्राई करेंगे। तो प्याज को हम मीडियम आँच पर जस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, यानी इसे थोड़ा सा कच्चापन इसका जाने देंगे। तो अभी हम वेजिटेबल्स को नहीं मिलाएंगे, पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें गाजर डालेंगे, 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ गाजर है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत नन्हे नन्हे पीसेस में है। 1 शिमला मिर्च लिया है मीडियम साइज़ का, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। तो वेजिटेबल्स आप अपने मनपसंद के ले सकते हैं, ज़्यादा या कम अच्छा ही लगेगा खाने में। और इसे फ्राई करेंगे हम, तो थोड़ा सा हम वेजिटेबल्स में नमक डाल लेंगे, बहुत ही कम,
ज़्यादा नहीं डालना है और इसे फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका थोड़ा क्रंचीपन रहे। इसे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और फ्राई होने के बाद वेजिटेबल्स को किनारों में लगाएंगे, जैसा कि देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लें बीच में और आँच को कम करके इसमें 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 2 छोटी चम्मच हम विनीगर डालेंगे। विनीगर थोड़ा कम ही डालना है आपको। और उसके बाद इसे फ्राई करना शुरू कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, यानी आंच को हम बहुत ज़्यादा में नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस जो भी है, आप 1 बड़ी चम्मच उसे डाल लें। इससे आपकी जो फ्राइड राइस बनेगी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, खाने में थोड़ा सा फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो सारी चीज़ फ्राई हो चुके हैं तो सोया चंक्स भी डाल लेंगे और इसे भी मिला लेंगे इनके साथ। तो हो गई है सारी चीज़ फ्राई, कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब हम इसमें चावल डाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, आँच को कम करके रखें, नहीं तो कोई भी चीज़ है जल सकती है। और इसके बाद सारे चावल को मिला लेंगे जो अभी हमने कुक कर लिया था, और इसे एकदम सावधानी से हल्के हाथों से जेंटली मिलाएं, नहीं तो चावल आपके टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कुक हो चुकी है अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। आप नमक भी टेस्ट बाद में कर सकते हैं इसे मिलाने के बाद, अगर कम लगेगा तो आप इसे मिला के और 2 से 3 मिनट के लिए कम आँच पर इसे चला लें। तो हल्के हाथों से चलाएं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो तैयार हो चुकी है हमारी सोया फ्राइड राइस, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे बहुत ही कम टाइम यानी 30 से 35 मिनट में इसे बना सकते हैं। और आप इसे मंचूरियन के साथ या फिर दही के रायते के साथ खा सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।